दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि गर्दन को लंबा कैसे किया जाता है। इसका फुल ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं रोज़ अपने चैनल पर डालता रहूँगा। तो गर्दन को लंबा करने वाला वीडियो बनाने के लिए हमें 3 एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला नंबर आएगा काइन मास्टर, दूसरा नंबर पिक्सआर्ट और तीसरा नंबर बैकग्राउंड इरेजर। ये तीनों एप्लीकेशन गर्दन को लंबा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोगों को यह वीडियो बनाना सीखना है तो बिना स्किप किए एकदम वीडियो को फुल अच्छी तरीके से देखिएगा मन से, ताकि आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाए। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने से पहले सबसे पहले आना होगा हम लोगों को काइन मास्टर में, और काइन मास्टर में आने के बाद उस वीडियो को अपलोड कर लेंगे जिस वीडियो को हम बनाना चाहते हैं। अब देखिए किस तरह से लंबा किया जाता है गर्दन को, देख सकते हैं थोड़ा भी इधर उधर नहीं हिला है, जहाँ का तहाँ ही है। तो हम लोग को क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट लेना होगा, कैप्चर एंड सेव कर लेते हैं। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद सबसे पहले हम लोग आएंगे बैकग्राउंड इरेजर पे, लोड ए फोटो पे क्लिक करेंगे और फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डन करेंगे और इसको जूम करके इस तरीके से पूरे को रिमूव कर देंगे, फोटो को अच्छे से करना है। अगर मैं बाकी इक्कीस से करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। पूरी तरीके से इरेज करने के बाद हम लोग को इसको डन कर देना है। डन करने के बाद सेव कर लेना है। सेव करने के बाद कहीं नहीं जाना है, बस थोड़ा सा और इसमें देखिए उसी वीडियो को उसी फोटो को सेलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद उसका सिर्फ गर्दन छोड़ के बाकी सबको रिमूव कर देना है, इस तरीके से कर देना है और इसको सेव कर लेना है। अब सेव करने के बाद सिंपली हम लोग को आना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, एडिट ए फोटो पे क्लिक करना है, फोटो को चूज कर लिए। चूज करने के बाद टूल्स पे क्लिक करेंगे, टूल्स में क्लिक करने के बाद स्ट्रेच पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए स्ट्रेच पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से धीरे धीरे गर्दन को लंबा करते जाएंगे। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में है, बस गर्दन लंबा करने में और कहीं नहीं है। तो इसी तरीके से पूरे गर्दन को लंबा करने के बाद इसको भी सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। और ये PNG नहीं होगा क्योंकि ये JPG ही होगा, JPG में ही क्लिक कर लीजिएगा वरना पैसा मांगने लगेगा ये। अब हम लोग को आना है काइन मास्टर एप्लीकेशन में। काइन मास्टर एप्लीकेशन में आने के बाद गर्दन को सिलेक्ट करेंगे, मीडिया में जाने के बाद इस गर्दन को सिलेक्ट कर लिए। अब ये देखिए, अब इसको इतना बड़ा कर लेना है कि इसके सर का साइज मतलब परफेक्ट बैठे इसके सर पर, अभी नहीं बैठ रहा है। ये देखिए पूरा अच्छे तरीके से इसको बैठा देना है। बैठाने के बाद हम लोग को देखना यह है कि ये हाथ जब ऊपर करेगा तब हम लोग को यहाँ पे चाबी लगाना है एक बार और इसको ऊपर कर देंगे इस तरीके से। फिर देखेंगे हाथ ये ऊपर कर रहा है, फिर ऊपर कर देंगे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, फिर ये हाथ ऊपर कर रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, फिर ये हाथ ऊपर कर रहा है, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, फिर ये हाथ ऊपर कर रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ये हो चुका है मेरा। अब देख सकते हैं कि ये गर्दन जो है बाहर दिख रहा है, तो इसको अंदर करने के लिए हम लोग को इस वाले वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसका एक डुप्लीकेट लेयर ले लेंगे। और डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद सिंपली इस तरीके से ऐसे करना है और इसको क्रॉप कर देना है, ऐसे करके इसका गर्दन तक ही रहने देना है, बस यहाँ तक देखिए। आप लोगों को हम चालू करके बताते हैं किस तरीके से लग रहा है। तो इस तरीके से गर्दन को लंबा किया जाता है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, क्रॉपिंग करके थोड़ा सा बस नीचे, बस इतना ही रखेंगे। और आप देखिए सही में लग रहा है कि ये गर्दन लंबा हो रहा है,
फालतू वाला पार्ट को काट देंगे। तो अब इसको नचाने का बारी है, तो इसको नचाने के लिए पहले हम लोग कैप्चर एंड सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद इसको जोड़ देंगे इसमें मीडिया में आने के बाद, इस मेन वाले में जोड़ देंगे, और मेन में जोड़ने के बाद मीडिया में आने के बाद एक और गर्दन ले लेंगे पीएनजी वाला, और पीएनजी वाला लेने के बाद बस तीन ठो ही लगाना है। तो इसको थोड़ा सा काट दीजिएगा इधर से। अब काटने के बाद ये देख लीजिए, पहले इसको हम लोग इसके साइज का कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये इसके साइज का हो चुका है, अब इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे। तो क्रॉप करने के बाद एक चाबी यहाँ पे लगाना है, और इसको ऐसे घुमा देना है, और इसको यहाँ पे लगा देना है। अब इसका एक डुप्लीकेट लेयर लेंगे, अब दूसरा चाबी यहाँ पे लगाना है, और इसको भी ऐसे घुमा देना है, फिर ऐसे ही इसका एक और डुप्लीकेट लेयर लेंगे, और तीसरी चाबी को लगाना है यहाँ पे। तीसरा चाबी लगाकर इसको भी ऐसे ही घुमा देंगे। और इसको इस तरह से घुमाने के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये जो फालतू वाला पार्ट है हम लोग का, ये इसको राइट साइड से कट कर देंगे। और कट करने के बाद उसी तरह आना है बैकग्राउंड इरेजर पे, बैकग्राउंड इरेजर पे आने के बाद लोड ये फोटो पे क्लिक करना है, और इसी तरह और पहले जैसा इसको भी रिमूव कर देंगे इस तरीके से। इसको हम जैसे रिमूव किए हैं उसी तरह आपको भी ऐड करके रिमूव कर लेना है। और रिमूव कर लेने के बाद हम लोग को जाना है फिर से काइन मास्टर अप्लीकेशन में। काइन मास्टर अप्लीकेशन में आने के बाद यहाँ पे उस फोटो को ऐड करेंगे, मीडिया में जाने के बाद ऑल पे क्लिक करके और इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए पूरे स्क्रीन में इसको ऐसे ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद इस गर्दन को चक्री को लगाएंगे, उस लेयर पे जाके मीडिया में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद ऑल पे जाएंगे, और पे जाने के बाद इस चक्री को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको इसके साइज में कर लेंगे, पहले इस तरीके से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसके जो बैक वाला इमेज इससे पहले लगा है इसको पहले हम लोग क्रॉप करेंगे इस तरीके से, यहाँ तक 20 तक करेंगे इसका, ताकि ये अच्छा से रहेगा। इसके बराबर के साइज का काट लेना है हम लोग को इसको भी, इसको भी इस तरीके से काट देंगे। अब बारी है इसको उड़ाने का, उड़ाने के लिए सिंपली हम लोग को इस तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चाबी लगाएंगे, अभी इसको नहीं, पहले हम लोग इसका बॉडी को उड़ाएंगे। कैसे उड़ाएंगे? इसको भी 4-5 चाबी लगा देना है। पैसा कब तक मिलेगा बोला? इस तरीके से अच्छे से इसको चाबी लगा देना 4-5। तो अभी जो चाबी लगा है इसके सामने मुंडी वाला पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे भी एक चाबी लगाएंगे, और इसको यहाँ पर लाकर रख देंगे। फिर उसी तरीके से एक और चाबी है, यहाँ पे जाएंगे और एक और चाबी यहाँ पे लगाएंगे, इसको भी ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे आएंगे, इसको भी इस तरीके से ऐसा कर देंगे। तो नचाने का बारी है, तो नचाने के लिए हम लोग को आना पड़ेगा ओवर ऑल एनिमेशन पे, और सबसे नीचे जाएंगे तो कुकीज यहाँ पे नजर आएगा, कुकीज पे क्लिक करेंगे तब देख रहे हैं नाच रहा है पूरा। तो ये पूरा इस तरीके से नाच रहा है। अब इसका हम लोग बैकग्राउंड साउंड इफेक्ट लगाने वाले हैं, तो ऑडियो वाले फाइल में जाकर हम अपना गाना चूज कर लेंगे, लेकिन जो गाना चाहिए हमें वो ऑडियो वाले फाइल में नहीं है, तो हम जाएंगे मीडिया वाले फाइल में। मीडिया वाले फाइल में जाकर हम जो भी गाना चाहिए वो हम क्लिक करके रख लेंगे। इसका डुप्लीकेट ले लेंगे एक, ताकि जहाँ तक ये गर्दन लंबा करा है वहाँ तक इसका आवाज़ कट कट आते रहे। ये देखिए अब इसका एक और साउंड लगाएंगे, जो कि हम पहले से ही डाउनलोड कर चुके हैं, YouTube से भी आपको ये साउंड मिल जाएगा। तो जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे हमारा साउंड लग जाएगा। तो ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब ये उड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे एक और इफेक्ट लगाना होगा, क्योंकि क्रोमा की पर क्रोमा की से पहले इसको ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
एक और साउंड लगा देंगे। ठीक उसी तरह से एक और साउंड लगा देना है। तो इस साउंड को लगाने के बाद अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना है, और एडजस्टमेंट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं वीडियो कैसा बना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी यह वीडियो बनाने आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।